हेलो गाइस, फूड लवर्स के एक नए रेसिपी की वीडियो में आप सबका एक बार स्वागत है। मैं हूं याशिक जैन। आज हम बनाने वाले यम्मी टेस्टी मैंगो जली, कच्चे आम की जली। काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, दिखने में भी काफ़ी स्वादिष्ट दिख रही है दोस्तों। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिए कच्ची केवी, यहाँ पे मैंने दो कच्ची केवी ली है। अगर आप सैम्पल या टेस्ट करने के बनाना चाहें तो पहले एक कच्ची केवी का बनाइएगा जली। तो और फिर ये जो नाके होते हैं इसे पहले अच्छे से काट लीजिएगा, या जो भी खराब हिस्सा हो केवी का उसे निकाल लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से चाकू की मदद से। फिर जो पीलर आता है इस तरीके का, बेसिकली जो काकड़ी वगैरह पील करने में काम आता है, इसकी मदद से, या जो नॉर्मल चाकू है आपके घर पे उसकी मदद से जो ये केवी के छिलके इसे निकाल लीजिएगा अच्छे से। ध्यान दीजिएगा कि चार छिलके निकल जाए केवी के, जो कच्चे आम है उसके। और देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने पूरे छिलके निकाल दिए। तो अब हम लेंगे एक प्लेट और एक चाकू, और फिर हम चाकू की मदद से जो इस केवी का जो खाए जाने वाला हिस्सा है, यानी कि जो एडिबल पार्ट है, या कुछ लोग इसे एडिबल फ्लैश बोलते हैं या एडिबल पार्ट, जो भी एडिबल पल्प आप जो भी कहते हो, इसे जो है बिल्कुल इसी तरीके से चाकू की मदद से केवी की जो सीड यानी गुटली होती है उसे निकाल लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के से कीजिएगा ताकि जो गुटली है उसका जो हार्ड पार्ट होता है वो ना निकल जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जो खाया जाने वाला सॉफ्ट हिस्सा है उसे निकाल लीजिएगा। अब देख सकते हैं मैंने इसे मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। फिर हम लेंगे एक जो नॉर्मल पतीला या कोई भी बर्तन ले लीजिएगा इस टाइप का, इसमें हम डाल देंगे हमारी कटी हुई केवी। अब हम इसे बॉईल करना होगा दोस्तों, तो हम इस कच्ची केवी में डाल देंगे पानी। यहाँ पे मैंने दो कच्ची केवी ली है इसीलिए मैं 2 से 2.5 कप पानी डालूंगा। अगर आप एक लेंगे तो 1 या 1.5 कप पानी डालिएगा, जरूरत अनुसार इतना पानी डालिएगा कि ये जो केवी है वो अच्छे से पानी के अंदर भीग जाए। यहाँ पे देखिए 2 कप थोड़ा कम होगा तो आधा कप और डाल लेता हूँ मैं पानी। देखिए अभी जो हमारी केवी है वो अच्छे से पानी में डिप हो जाएगी आराम से, तो अब हम इसे अच्छे से उबाल पाएंगे। सॉरी दोस्तों, अब इसमें ज़्यादा पानी भी मत डालिएगा। फिर हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे और गैस को हाई फ्लेम पर स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। गैस को हाई फ्लेम पर रख के ही हम इस केवी को पकाएंगे दोस्तों। इसे हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे पकाने में, केवी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो 10 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट 5 मिनट, मुझे 6 से 5 मिनट लगे थे पिछली बार। तो अब हम इसे अच्छे से बॉईल कर देंगे। फिर हम डाल देंगे इसमें शक्कर दोस्तों, 1 कप जितनी शक्कर डाली है मैंने इसमें शुगर, देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1 कप चक्कर डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी जो केवी का ये जो खाया जाने वाला एडिबल पार्ट है, एडिबल पल, उसमें के अंदर भी मिठास जाएगी शक्कर की, और हमारी जो जेली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसे बिल्कुल इसी तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो शक्कर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, यानी पिघल जाए, और एक अच्छा सा जो हमारा केवी का ये पल्प बने। और केवी को अच्छे से इसे 5 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने रख दीजिएगा दोस्तों, हाई फ्लेम पर ही रखिएगा, और इसे चम्मच से चलाते रहिएगा ताकि ये जो केवी है वो साइड में चिपक कर कहीं खगा जल ना जाए, नहीं तो आपकी जो केवी है उसमें जले हुए का टेस्ट आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसे हल्के हल्के से हाथों चलाते रहिएगा चम्मच की मदद से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट हो चुकी है, हमारी जो केवी है वो एकदम पक चुकी है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, और ये चम्मच की मदद से आसानी से टूट गई है। तो अब हम जो है गैस को जो है बंद कर देंगे और इस कढ़ाई को या पतीले को गैस से नीचे रख देंगे। आप एक चम्मच की मदद से चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ये आसानी से टूट रही है जो हमारी केवी है, ये आसानी से एकदम पल्प जो इसका टूट रहा है, यानी कि जो आपकी केवी है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अगर आपकी अगर केवी अच्छे से बॉईल नहीं हुई हो तो आप चाहे तो वापस इसे और 1-2 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथ मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। फिर हम यूज़ करेंगे एक हैंड ब्लेंडर, जो बेसिकली मोस्टली सबके घर पर होगा एक हैंड ब्लेंडर, इसकी मदद से हम इसका जो एक अच्छा पतला सा जूस इस बना लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो मिक्सर या जो भी अवेलेबल हो उसकी मदद से आप इसे जूस बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसे हल्के हल्के हाथों जल्दी से थोड़ा ब्लेंड कर देता हूँ, एकदम पतला होने तक इसे ब्लेंड कीजिएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जूस जो अच्छे से ब्लेंड कर दिया मैंने, एकदम पतला सा जूस बन चुका है केवी का, एकदम मीठा सा। तो अब हमें दोस्तों इसे एक जो स्ट्रेनर या छन्नी बोलते हैं हम, उसकी मदद से हमें इसे छानना होगा दोस्तों, ताकि जो केवी में कुछ फुंसे बोलते हैं कुछ लोग वो जो होते हैं उसे रिमूव करने के लिए। तो अब हम इसे छन्नी की मदद से अच्छे से छान देंगे बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों। इसे 2 से 5 मिनट लगेगा क्योंकि जो केवी का जो ये पल्प है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, यानी थिक होता है,
तो इसे आपको स्ट्रेन करने में बिल्कुल इसी तरीके से चाटने में 2 से 5 मिनट लगेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे होगा काफी, और इस तरीके से चम्मच से मिक्स करते रहिएगा ताकि ये जल्दी हो जाए। तो मुझे इसे करने में 3 से 4 मिनट लग गया दोस्तों, लेकिन ये स्टेप काफी जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी जो हमारे पास बचेगा वो होगा एकदम पतला सा मिक्सचर केकी का, और ये देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट था जो अच्छे से नहीं हुआ था ब्लेंड, उसे हमने निकाल लिया। अगर आप चाहे तो इसे फ्रीज करके अच्छे से इसे आइसक्रीम की तरह खा सकते हैं, 10-15 मिनट फ्रीज करके, ये ऑप्शनल है दोस्तों। तो अब मैं इसे एक बार के साइड में रख देता हूँ, अगर आप चाहे तो इसे फ्रीज करके खा सकते हैं। तो अब जो हमारा केरी का जूस है ये भी अभी तक हल्का सा गर्म है, क्योंकि हमने अभी तक इसे ठंडा नहीं किया है। तो अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लेंगे एक छोटा सा बाउल, अब जो भी बाउल चाहे वो ले लीजिएगा, कोई भी एक प्याला, उसमें हम डालेंगे हमारी जेली का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है अगर अगर। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि अगर अगर क्या है, तो अगर अगर दोस्तों बेसिकली इसे चाइना ग्रास भी कहते हैं, ये एक वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट है जेलेटिन का। काफ़ी सारे लोग जेलेटिन जेली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप लोग ये अगर अगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है दोस्तों, इससे ही आपकी जेली को जो है सॉफ्टनेस स्मूथनेस मिलेगी। तो आप इसे दोस्तों जो है पानी के अंदर सोक कर लीजिएगा, ये एक मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों। आप और ये आसानी से आजकल बाजार में भी मिल जाता है, अगर आपके आसपास अवेलेबल ना हो तो आप अमेजोन पैंट्री से वगैरह, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, पेटीएम से, पेटीएम बाजार से, या जो भी बिग बाजार में आसानी से मिल जाता है ये। तो अब हम क्वांटिटी पे ध्यान दे, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 ग्राम अगर अगर का इस्तेमाल किया है। तो आपको भी अगर आप ये चाइना ग्रास यूज कर रहे दोस्तों, तो आप 5 ग्राम यूज कीजिएगा। इसका पाउडर भी मिलता है दोस्तों, तो अगर आप पाउडर ऐड कर रहे तो आधे से 1 चम्मच पाउडर ऐड कीजिएगा, और पानी भी थोड़ा ही डालिएगा, ज्यादा मत डालिएगा, इतना ही डालिएगा कि ये अच्छे से सोक हो जाए। अगर आप पाउडर यूज कर रहे दोस्तों, तो ये स्टेप आप इसे स्किप कर दीजिएगा और इसे 5 मिनट तक अच्छे से भिगो दीजिएगा। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो ये अगर अगर ग्रास ये हल्की सी फूल गई है और अच्छे से पानी में भीग सोख हो चुकी है। तो अब हम पैन लेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया ताकि हमारी जली जो है साइड में चिपक ना जाए कढ़ाई के और जल ना जाए। तो अब हम हमारी भिगोई हुई अगर अगर चाइना ग्रास को जो इस कढ़ाई में ले लेंगे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से देख सकते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट, एकदम नूडल्स की जैसी लग रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी दोस्तों, हमने जिस पानी में इसे भिगोया था वही पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये पीने का ही पानी था। तो देखिए हमने इसमें सिर्फ 2 से 4 चम्मच पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है, और हल्के से जो हाई फ्लेम पर गैस को ऑन कर देंगे। इसमें एक साथ में ज़्यादा पानी मत डालिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका जली का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आप पाउडर यूज़ कर गए तो दोस्तों बिल्कुल भी ये स्टेप ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर 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 पाउडर यूज़ कर गए। देखिए आप इसे हल्के हल्का पानी ऐड करके बिल्कुल इसी तरीके से जो है अच्छे से फ्राई करतेगा, जब तक ये इसका एकदम अगर अगर जो ग्रास है वो पिघल नहीं जाता। मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसे देखिए उबालता जा रहा हूँ। तो देखिए अब ये जो एकदम लिक्विड सॉल्यूशन बन चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी कच्ची केरी का जो हमने तैयार किया है जूस, उसे डाल देंगे। अगर आप चाहे अगर अगर पाउडर यूज कर रहे तो पहले जो है आम का ये रस डालिएगा कच्ची केरी का, उसके बाद उसको गर्म करके उसके अंदर जो अगर अगर पाउडर है वो डाल के मिक्स कीजिएगा। तो अभी मैंने आधा ऐड किया, अभी बाकी का भी ऐड कर देता हूँ, और इसे अच्छे से जो अपने हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो टेस्ट है जेली का वो एक एक समान हो जाए। इसे मिक्स करते रहना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों, तो ही हमारी जेली जो है अच्छी बनेगी। तो इसे 1-2 मिनट हल्का उबलना आने स्टार्ट हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे चीनी, स्वाद अनुसार चीनी डालनी है दोस्तों। मैं यहाँ पे 1-1.5 कप चीनी डालूंगा स्वाद अनुसार, पहले आधा कप डालूंगा फिर टेस्ट करके और बढ़ाता जाऊंगा चीनी की मात्रा। इसमें जो है दोस्तों आपको चीनी स्वाद अनुसार डालनी है, कि जली बेसिकली मीठी होती है, और अगर आपकी कच्ची केकी काफी ज्यादा खट्टी है दोस्तों तो आप इसमें ज्यादा चीनी डालिएगा, अगर आपकी केकी थोड़ी मीठी है तो कम चीनी डालिएगा। आप इसे टेस्ट करके चीनी की मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज्यादा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और दोस्तों इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते रहिएगा दोस्तों, गैस को जो है मीडियम फ्लेम पर रखिएगा दोस्तों, हाई मत रखिएगा, नहीं तो ये जो जेली का जो मिक्सचर है वो जल जाएगा। तो हम इसे 2 से 5 मिनट अच्छा एक उबाल आने तक मिक्स करेंगे दोस्तों, फिर हम इसमें डाल देंगे लिक्विड कलर, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कच्ची केकी की जेली ग्रीन कलर की अच्छी लगेगी। कलर भी आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं दोस्तों, आप जितना कलर डालना चाहे, ज्यादा ग्रीन चाहे, डार्क चाहे।
तो यहाँ पे मैं थोड़ी डार्क बनाऊंगा, तो मैं ज्यादा ग्रीन कलर डाल रहा हूँ, आधे से एक चम्मच, आप चाहे उतना डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये भी बिल्कुल एक ऑप्शनल स्टेप है, देखिए मैंने यहाँ पे आधा आधा एक चम्मच डाल दिया कलर, ये काफ़ी ज़्यादा हरा अच्छा लगेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा दोस्तों, साइड से भी अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है, तो अब मैं गैस को जो है बंद कर दूंगा दोस्तों। इसका एक काफ़ी गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया, इसे ज़्यादा गाढ़ा भी मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपकी जेली एकदम हार्ड हो जाएगी। फिर हम इस तरीके का बिल्कुल कांच का बाउल ले लेंगे, कांच का ही बाउल प्रेफर करूंगा मैं दोस्तों। फिर इसमें हम जो है घी, बटर या तेल किसी भी इस्तेमाल से इसे ग्रीस कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके। जो सिलिकॉन का एक ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आप नॉर्मल चम्मच या किसी भी मदद से इस बाउल को जो है घी, तेल या बटर से ग्रीस कर दीजिएगा। ये स्टेप ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप अगर कांच का बाउल वगैरह यूज़ कर रहे तो उसमें से जली जो है साइड में चिपक जाती है, तो अगर आपकी जली या जब आप बाहर निकालते तो एकदम शेप अच्छा नहीं आता है दोस्तों। फिर आप देखिए इसे एक बड़े चम्मच की वजह से मैं इस जली के जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसे इस बाउल में डाल दूंगा। देख सकते हैं अभी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है जली का जो मिक्सचर है, एकदम थिक गाढ़ा। तो अब हम इसे बिल्कुल इसी तरीके से बाउल में डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच जितना आता है उतना। आप इसे अगर शेप का कोई बाउल हो तो उसमें डाल सकते हैं, या सिलिकॉन मोल्ड अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक बाउल जो है भर दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है अभी से ये जली। इसका सेट होने तक का हमें वेट भी करना होगा अभी। और फिर देखिए मैं इस तरीके का जो मेरे पास एक सिलिकॉन के मोल्ड अवेलेबल है, एकदम ये ट्राइंगल शेप के हैं छोटे से, तो इसका भी इस्तेमाल करूँगा। तो इसे भी दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से आपको घी, ऑयल या बटर की मदद से इसे भी ग्रीस कर देना है, ये स्टेप ज़रूरी है दोस्तों। इसी की मदद से आपकी जो जली है आसानी से इन मोल्ड से बाहर निकल जाएगी। सिलिकॉन मोल्ड में एकदम हल्का सा ही जो घी बटर लगाइएगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसमें जली ऊपर तक भर दिया, जली का मिक्सचर एकदम ज़्यादा ऊपर तक भी मत भरिएगा, नहीं तो आपकी जो जली का जो सिरप वो बाहर निकल जाएगा जब आप इसे अंदर फ्रिज में रखेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से भर दिया, अब हम इसे फ्रिज में रखना होगा दोस्तों। इसे फ्रिज मत कीजिएगा, फ्रिज में रखिएगा तकरीबन 2 से 3 घंटे या एक पूरी रात के लिए रख दीजिएगा। अब मैंने इसे 3 घंटे के फ्रिज में रखा है दोस्तों, तो अब हमारी जली जो अच्छे से सेट हो चुकी है आप देख सकते हैं। अब हम इसे जो है प्लेट में निकाल लेंगे, तो मैं एक नॉर्मल सी प्लेट ले रहा हूँ, तो अभी चलिए इसे निकालते हैं। तो देखिए जो सिलिकॉन मोल्ड में हमने जली सेट की है वो तो काफ़ी आसानी से निकल जाएगी, तो दोस्तों मैं प्रीफर करूँगा कि आप सिलिकॉन मोल्ड का ही इस्तेमाल करें। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से निकल जाती है सिलिकॉन मोल्ड से जली, एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है, कहीं से भी कोना इसका ख़राब नहीं हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाकी के सिलिकॉन मोल्ड से भी जो जली है उसे भी फटाफट निकाल देता हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप देख सकते हैं मैंने पूरी जली जो 4 मैंने सिलिकॉन मोल्ड इस्तेमाल किए थे उन 4 जली को निकाल दिया बाहर। तो अब आती है बाकी हमारे बड़े से जो बाउल तैयार किया था वो निकालने के। देख सकते काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है जली, ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, यही अच्छी बात है दोस्तों कि एक जली मेल्ट नहीं होगी, नहीं तो कुछ लोग जो घर पर जली बनाते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाती है, ये मेल्ट बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने अगर यानी चाइना ग्रास का यूज़ किया। फिर चाकू की मदद से देखिए दोस्तों मैं इस बाउल से जो हमारी जली है उसे निकाल दूंगा हल्के से। फिर अब इसे हल्के से टैप कीजिएगा, क्योंकि हमने घी या ऑयल अप्लाई किया तो ये काफ़ी आसानी से निकल जाएगी 2-4 बार टैप करने पे। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली निकली है हमारी ये जो जली है, देखिए बिल्कुल एकदम रिमोट के बटन की तरह दिख रही है, बीच में ओके बटन, फिर लेफ्ट राइट बटन और टॉप बॉटम का। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लाइट ऑन कर देता हूँ मैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है ग्रीन कलर, आप चाहे तो कलर थोड़ा कम कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनी है दोस्तों ये जली, मैंने इसे टेस्ट किया हुआ है, सेकंड टाइम बनाई है मैंने ये जली, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी के बाद आपने जब इसे ट्राई किया तो आपकी जली कैसी बनी, अच्छी बनी नहीं बनी, या आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और